रेजिस्टेंस क्या है। इससे पहले कि हम ये समझे कि रेजिस्टेंस क्या है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि रेजिस्टर और कंडक्टर में फर्क क्या है। और समझने की बात यह है कि रेजिस्टर और कंडक्टर में कोई फर्क नहीं है। एक रेजिस्टर ही कंडक्टर होता है, एक कंडक्टर ही रेजिस्टर होता है। अब अगर आपके पास एक सब्सटेंस है, आप उसकी कंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप उसको कंडक्टर ट्रीट करेंगे, अगर आप उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो आप उसको रेजिस्टर ट्रीट करेंगे। बस ये एक ही सब्सटेंस के दो डिफरेंट नाम है। जनरली हमें जरूरत पड़ती है रेजिस्टेंस की, तो वो आमतौर पर इसलिए हम अपने उस सब्सटेंस को जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहे होते हैं उसे रेजिस्टर का नाम दे देते हैं। वो कोई भी मीडियम हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। देखिए रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के मुताबिक एक्चुअली वोल्टेज और करंट का रेशो है। कि अगर कोई भी आपके पास इक्विपमेंट मौजूद है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस मौजूद है, कोई भी कंडक्टर मौजूद है, आप क्या करें, आप उस पर आने वाला वोल्टेज निकालें और ये देख लें कि इस पोटेंशियल डिफरेंस पर यानी इस वोल्टेज पर इसको कितना करंट मिला, इन दोनों का रेशो निकाल दें, आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगी। लेकिन समझने की बात यह है कि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट वैल्यू होती है फॉर अ कंडक्टर, फॉर अ गिवन रेजिस्टर, और ये वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये एक्चुअली इनका रेशो होती है। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, बल्कि वोल्टेज को बढ़ा देने से करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। दिस इज व्हाट एक्चुअली द ओम्स लॉ सेज। और वोल्टेज को बढ़ाने से जब करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उनका रेशो कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो सर फिर वो कौन से पैरामीटर्स है जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है? देखिए अगर कभी भी आपसे कोई जनरली क्वेश्चन पूछता है कि जनाब कार्बन की रेजिस्टेंस क्या है, आप उसको जवाब नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते कि आपका अगला सवाल ये होगा कि पहले ये बताओ कि कार्बन की जिस कार्बन सब्सटेंस की आप बात कर रहे हैं उसकी लेंथ क्या है और उस सब्सटेंस की का एरिया क्या है, उस सब्सटेंस की लेंथ क्या है, उस सब्सटेंस का एरिया क्या है और दीगर डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, उसके बाद आप कार्बन की रेजिस्टेंस बता सकेंगे। देखिए किसी भी सब्सटेंस की जो रेजिस्टेंस है वो दो अहम फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक उसकी लेंथ और एक उसका एरिया। देखिए आपके कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है आपके करंट के लिए कंडक्शन में उतनी ज्यादा मुश्किलात का सामना होगा, उतनी ज्यादा रुकावटें आएंगी। तो जितनी ज्यादा आपकी लेंथ है उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस है, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। और दूसरी चीज एरिया, जाहिर सी बात है अगर आपका एरिया ज्यादा है तो एरिया ज्यादा होने की वजह से रुकावट कम हो जाएगी। जब रोड चौड़ा होता है तो गाड़ी ज्यादा जा पाती है, इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अब अगर आपके पास ये दो रिलेशनशिप गिवन है, इन दोनों रिलेशनशिप का आपस में इक्वेट करके आप एक नया रिलेशन बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है लेंथ ओवर एक है, और उसके बाद साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और जाके साइन ऑफ इक्वालिटी और एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे, डेट कॉन्स्टेंट इज एक्चुअली रॉ, और ये रॉ असल में कहलाता है रेजिस्टिविटी। रॉ इज, याद रखिएगा रेजिस्टर एक गिवन सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है जो कि एक गिवन सैंपल पे डिपेंड कर रही होती है, और रेजिस्टिविटी उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। और रेजिस्टिविटी को अगर चेंज करना है तो उसके लिए भी आपको टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा या सब्सटेंस के अंदर की केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करना पड़ेगा। लेंथ और एरिया के चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, वोल्टेज करंट के चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। ये एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है तो सब्सटेंस के अंदर की केमिस्ट्री को चेंज करना पड़ेगा अगर आप ये सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी को चेंज करना चाहते हैं। अगर मैं यार रेजिस्टिविटी की इक्वेशन बनाऊं तो डेट विल बी इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब अगर मैं इस इक्वेशन में एरिया को वन ले लूं और लेंथ को वन ले लूं तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाती है? इक्वेशन मुझसे चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि रेजिस्टिविटी बराबर हो जाती है रेजिस्टेंस के। तो मैं
कुछ इस तरह से कह सकता हूं कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टिविटी.